नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेल ऑपरेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे किसी भी डेट ऑफ बर्थ से उनका एज कैलकुलेट करते हैं, या फिर उनका एज मंथ और डे किसी भी डेट ऑफ बर्थ से कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना रखा है जिसमें सीरियल नंबर 5 है, कस्टमर है हमारे 5, उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अलग अलग ईयर में मैंसन है। अब मैं यहाँ पर आपको एज मंथ और डे, मतलब ये जो रमेश हैं वो 25 जनवरी 1998 में जन्म हुआ था इनका, और वो आज की डेट से कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हुए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाते हैं, जैसे इक्वल प्रेस करते हैं और सम मैंने लिखा, तो इसके नीचे देखिए काफ़ी सारे फार्मूला शो हो रहे हैं। लेकिन अभी हम जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो एक्सेल में मैंसन नहीं है, बट एक्सेल में वर्क प्रॉपर तरीके से करता है। तो चलिए हम देखते हैं कौन से फार्मूले से हम इनका एज कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वल, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने डेट लिखा, डेट के नीचे सिर्फ दो फार्मूला आ रहा है, डेट और डेट वैल्यू, बट हम इन दोनों फार्मूलों का यूज नहीं करेंगे। डेट की बजाय डेटेड इफ यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ पे चले जाएंगे, कॉमा लगा देंगे। अब मैं आज की डेट से कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर टूडे डाल दूँगा, टूडे लिख दूँगा, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पर लिख देंगे वाई, कॉमा क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये मतलब 25 जनवरी 1998 से आज की डेट तक ये 23 साल के हुए। ये पूरा ड्रैग कर दें हम नीचे तक, अब ये 23 साल 32 साल 19 साल 22 साल 18 साल ये हो गया। अब मुझे मंथ निकालना है इनका, तो मंथ के लिए भी सेम फार्मूला है, डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इनकी डेट ऑफ बर्थ पर चले जाएंगे, कॉमा लगाएंगे, टूडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में। पिछली बार हमने, आपने नोटिस किया होगा, हमने वाई लिखा था, तो वाई प्रेस करने से हमारा ईयर निकला था, लेकिन अभी मुझे मंथ चाहिए। मंथ के लिए वाई और एम प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सॉरी यहाँ पे टुडे, ये फॉर्मूला ये हो गया, इसे ड्रैग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये, क्योंकि अभी हम जिस डेट में बैठे हुए हैं ये 9 फ़रवरी 2021 है, और रमेश की डेट ऑफ बर्थ जैन है, इसलिए यहाँ पे मंथ 0 उठाया है। और यहाँ पे देखिए इनका अगस्त है, तो अगस्त से लेके फैब तक 5 महीने होते हैं, तो ये 5 महीना यहाँ पे, तो ये 5 महीना यहाँ पे शो किया है। अब हम सेम इनका देखेंगे कितने डेज हो गए हैं, तो इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेम डेट ऑफ बर्थ पे चले जाएंगे, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, डॉट के साथ इन्वर्टेड कॉमा। अब लास्ट टाइम हमने लिखा था वाई और एम, क्योंकि हमें वाई से ईयर से मंथ निकालना था, अभी हमें मंथ से डे निकालना है, तो मंथ एम डे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब ये देखिए इसे ड्रैग कर देते हैं, इनको 15 दिन हो गया। अब आप देख लिए, मैंने अभी आपको बताया कि 9 फ़रवरी में हम लोग हैं अभी प्रेजेंट में, ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है ये 9 फ़रवरी है, और यहाँ पे रमेश की डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी है, तो 25 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक 9 दिन इसमें और 6 दिन उधर, तो ये जैन में, तो ये 9 और 6 15 दिन दिखा रहा है, एग्जैक्ट बिल्कुल सही है। इनका देखिए 28 दिन, मतलब जो रमेश हैं ये 23 साल 15 दिन के हुए, और जो विनीत हैं ये 32 साल 5 दिन और 28 दिन के हुए, ऐसे ही अमित जो हैं वो 19 साल 8 महीने और 14 दिन के हुए। तो दोस्तों ये था एक फार्मूला, लेकिन अभी हमने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे, सारी जगह मैंने टुडे दिखाया है, मतलब अगर हम आज एक्सेल सीट बंद करते हैं और कल इसे ओपन करते हैं, तो जो ये रमेश को 15 दिन दिखा रहा है वो ऑटोमेटिकली 16 दिन ले लेगा, और जो ये 28 दिन दिखा रहा है ये 19 दिन ले लेगा, क्योंकि ये फार्मूला टुडे पे फिक्स है। लेकिन अगर आपको कोई टारगेट मिल जाता है कि नहीं, आपको 31 जैन तक के जितने भी क्लाइंट हैं आपको, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो आपको निकालनी है, जो एज निकालनी है, वो आपको 31 जनवरी 2021 तक की ही निकालनी है। आप फाइव में भले हो, लेकिन मुझे जो रिकॉर्ड चाहिए वो 31 जनवरी तक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे टुडे है वहाँ पे सिंपल सा H1 मतलब जो हमारा रॉ है, देखिए जो हमने 31 जनवरी 2021 लिखा है वो H1 में है, या फिर मैनुअली सेलेक्ट कर लीजिए माउस से कर्सर से, या फिर मैनुअल टाइप कर लीजिए। तो अभी मैं ड्रैग करने वाला हूँ, इसलिए पहले इसे हम लॉक कर देते हैं,
इसे ड्रैग कर देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि एज जो है वो 23, 32, 19 ये एग्जैक्ट है। क्योंकि हम 9 फरवरी में हैं तो हम सिर्फ 9 दिन ही पीछे जा रहे हैं, तो हमारे मंथ में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम डे में जाएंगे और डे में टुडे की बजाय मैं यहाँ पे H1 टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि ये 9 दिन जो है वो कंसीडर नहीं करेगा। देखिए ये 6 नीचे 28 है, अब ये देखिए 19 दिन हो गया। इसे हम ड्रैग कर देंगे, देखिए सारे वैल्यू चेंज हो गए। तो इस तरह से हम किसी भी इस फॉर्मूले से हम किसी भी डेट ऑफ बर्थ से उनका एज, मंथ और डे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।